Hello friends, welcome to English Speaker Tense Tutorial 5. Today we will study past indefinite. तो आज हम past indefinite tense की sentence बनाना सीखेंगे और जो मेरी last video थी present perfect continuous पे उसके भी answer discuss करेंगे इस video के end में. So video को पूरा देखें, like करें, share करें. So now let's begin the video. Today we are studying past indefinite tense. So आज हम past indefinite tense के sentence बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि हम past indefinite tense में क्या क्या होता है, क्या helping verb होती है, कौन सी verb की form use होती है और कैसे हम पहचानेंगे कि sentences past indefinite tense का. Okay, so ये भी बहुत simple है जैसा कि हमने previous video में जो tenses पढ़े. Okay, so अभी हमने present tense पूरा complete कर चुके हैं. So if you haven't that watch those videos, so go to the description, links are there, watch the video. Okay, so let's start this video past indefinite tense. So सबसे पहले जैसा कि अगर आप videos देखते हैं, पहले previous video आपने देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि past indefinite tense की क्या identifications होती है, हम कैसे पहचान करेंगे. Okay, तो without wasting time let's get started. तो सबसे पहले कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर एंड होता है किसी भी मात्रा से, लाइक जैसे मात्रा होगी आ की मात्रा, यस, या ए की मात्रा, या इसकी मात्रा ओ की मात्रा, या ई की मात्रा. ओके, और एंड होगा पता था, या जानता था, या जानती थी. और एक सबसे लास्ट जो ये जो एक्सेप्शन है वो है मत लव था. ओके, सो ये कुछ है जिससे अगर एंड होगी, मात्राओं से एंड होता है अगर कुछ, तो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. अगर कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है मात्राओं पे तो किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से. ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. तो हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में फॉर्म में लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डेड. क्या होती है? डेड. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. और सिक्स कंडीशन बनेंगे. तो सिक्स कंडीशन हमें पहले हमें पता है कि सिक्स कंडीशन क्या होती है, मैंने ये वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि डेड के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ वन हेल्पिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली जो भी कितने टाइप्स के वो होते हैं, ये सब्जेक्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर. तो दोनों डेड के साथ लगेंगे. और व्हाट आर प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर आपको ये जानना है देन यू कैन चेक माई प्रेजेंट इनडेफिनिट वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो डेड के साथ दोनों यूज होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट, राइट. ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट. सो डेड के साथ दोनों यूज होंगे, राइट. अब हम देख लेते हैं इसकी सिक्स कंडीशंस. तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो है सिंपल कंडीशन. सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या कौन सी होगी? सिंपल कंडीशन. तो सिंपल कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं, वो भी किस में है? प्रेजेंट इनडेफिनिट वीडियो में. ओके, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा. तो फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस वी टू. अब आप बोलेंगे कि हमने तो बात करी थी वी वन की, वी टू क्यों आ रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा. तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि V2 लग रहा है, तो V2 इसलिए लगता है क्योंकि ये सिंपल कंडीशन है और ये थोड़ा एक्सेप्शन है. क्या ये एक्सेप्शन है? जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा उसमें डू डज सिंपल कंडीशन में नहीं लगता बट बाकी कंडीशन में लगता, वैसे ही V2 सिर्फ पूरे टेंस में V2 एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल कंडीशन में लगता है, उसके सिवाय
वी टू किसी भी टेंस के कहीं पर भी यूज नहीं होता है। ओके तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके तो एग्जाम्पल में मैंने जैसे बोल दिया कि मैंने किताब पढ़ी, राइट? मैंने बोल दिया मैंने किताब पढ़ी, तो क्या होगा मैंने किताब पढ़ी का? आई रीड फाइन। सो क्या होगा? आई रीड बुक। अब आप सोच, अब रीड पढ़ना मतलब क्या होता है? रीड, देखो मैंने मतलब आई सब्जेक्ट हो गया, क्या आई, वी टू क्या है रीड, ऑब्जेक्ट क्या है किताब, क्या पढ़ रहे हैं हम किताब। ओके अब आप समझ रहे होंगे कि रीड, रीड की फॉर्म क्या होती है, रीड सेकंड फॉर्म जिसको हम रेड पढ़ते हैं, बट होता क्या है वो स्पेलिंग उसकी रीड ही READ होती है। ओके सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो है सिंपल। अब इसके रेस्ट कंडीशंस क्या हैं वो आपको पता है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हो जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को भी पॉज करें और उसकी जो 5 कंडीशंस रह गई हैं उसको खुद बनाएं। ओके सो अगर आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ओके सो पॉज दिस वीडियो, आई होप यू हैव पॉज दिस वीडियो एंड हैव डन इट सक्सेसफुली। सो यू कैन गिव मी इन माई कमेंट बॉक्स और यू कैन रीचेक इट बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग इट, राइट? मैं बताऊंगा कि इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या क्या है, उससे आप बता सकते हो। तो इसकी नेक्स्ट कंडीशन होगी नेगेटिव कंडीशन, राइट? सो अभी हम इसको, मैंने इसको रेडी कर रखा है तो इसको अभी रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पर? नेगेटिव कंडीशन, राइट? तो नेगेटिव कंडीशन में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, डिड होगा और नॉट। नेगेटिव से समझ में आ रहा है नॉट, सो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देख रहे हो आप कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, ठीक है? वी टू सिर्फ फर्स्ट में लगती है, इसको आप हमेशा रिमाइंड रखिए। सो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसी को हम पिक करके चलेंगे, तो क्या बन जाएगा? मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड बुक। ओके अब नेक्स्ट कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है वो है इंटेरोगेटिव। क्या है इंटेरोगेटिव? मतलब प्रश्न वाचक वाची कंडीशन। सो डिड आ जाएगा, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे ये नेगेटिव कंडीशंस, इंटेरोगेटिव कंडीशन किस तरह के हम इसको बना सकते हैं, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके सो यू कैन चेक आफ्टर दिस वीडियो। सो डिड सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या मैंने किताब पढ़ी, डिड आई रीड बुक। ओके इसी को लेके हम चलेंगे इसकी नेगेटिव, सो क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ओके सो क्या है उसका? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? डिड सब्जेक्ट नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या मैंने किताब नहीं पढ़ी, डिड आई नॉट रीड बुक। ओके डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डब्ल्यू एच डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने किताब कब पढ़ी, व्हेन डिड आई रीड बुक। ओके अब समझ गए होंगे थोड़ा इसको एग्जाम्पल देख के कि डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है। ओके अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यू कैन गो टू माय फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके और अगर आप समझना चाहते हो तो आप पूरा पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओके तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, वरना थोड़ा बहुत डाउट रहेगा अगर आप एक भी वीडियो स्किप करते हैं, है ना? एक भी नहीं, मतलब करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज बेसिक तो रहना चाहिए आपको। तो लास्ट कंडीशन, अभी तक मैंने 5 कंडीशन पढ़ लिए, तो लास्ट कंडीशन हमारी क्या है? डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या देख रहे हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली, डेड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल मैंने किताब कब नहीं पढ़ी। ओके सो व्हेन डिड आई नॉट रीड बुक, राइट? सो अभी हमने कंडीशन फिनिश कर दिए, और जैसा कि मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता हूँ होम एज अ होमवर्क, और जो आप करते हैं भी बहुत अच्छी तरीके से, सो इसके लिए आपके पास एक होमवर्क है पास इनडेफिनिट क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन है, यू कैन पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट? यू कैन वेट दिस, यू कैन पॉज इट। ओके सो क्वेश्चन देख लिया आपने, क्या तुमने खाना नहीं खाया, रोहन क्यों नहीं सो रहा, उन्होंने चोरी क्यों की, सो ऐसे कुछ है, कुछ क्वेश्चन हैं तो आपको उनको करना है, राइट?
ओके सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लास्ट वीडियो जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर थी उसके आंसर्स बताऊंगा। तो उसके आंसर्स यहाँ पर है, हेयर वी गो हेयर। सो हमारे पास ये आंसर्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आंसर्स। तो क्या है फर्स्ट का आंसर, व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैज मनीषा बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, व्हाट हैव यू बीन विद वॉचिंग इन टीवी सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ओनली 2 आवर्स, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज शी बीन डूइंग फॉर 5 ईयर्स, हैज रजत बीन डांसिंग फॉर 5 आवर्स, मम्मी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 3 o'clock, हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग सिंस चाइल्डहुड, हु हैज बीन मेकिंग यू कॉल फॉर 10 मिनट्स, राइट। सो ये इसके आंसर्स थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर करो उसको, लाइक करो। और सबसे ज़रूरी बात कि जो अगर अभी आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो ये वीडियो जो टेंसेस की वीडियो है वो आपको स्पोकन में तो हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई भी स्टोरी तो हमें थोड़ी समझ में नहीं आती, तो अगर आपको समझ में आएगा कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। ओके बच्चे गाइड लेते हैं, गाइड समझते हैं, तो हिंदी में ही लिखा होता है। अगर आप खुद अपने माइंड में हिंदी सीख समझ जाओगे सो डेफिनेटली आपके लिए इजी होगा। सो डोंट टेक इट एज अ बर्डन और एनीथिंग एल्स, दिस इज स्पोकन प्रैक्टिस बट इट विल मेक योर राइटिंग स्किल ऑल्सो, राइट। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई फैला दो उसको। ओके सो बाय, गुड बाय, इट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द आंसर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड विद द न्यू वीडियो ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके सो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।